पास वेज हक्का नूडल है और नॉन वेज भी है, चिली गार्लिक नूडल। दी का बर्थडे आज है, मेरा बर्थडे तो प्लीज विश करना बिल्कुल। बच्चों के लिए मंगा लो, मेरे बच्चों के लिए क्या खाएंगे। तो चलिए आज मैं पूरे खानदान से मिलाने वाली हूँ और पूरे मंगाओ फिर आप। मेरी सारी सिस्टर्स इधर ही हैं, चलो इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले मेरी छोटी बहन काजल, इनको तो आप जानते ही हैं, ये बहुत बिजी है। ये 12:30 बजे पहुंच गए थे। ये है बड़ी दीदी मुन्नी दीदी। हाय, हमने 2 प्लेट मोमो का ऑर्डर दिया है अभी तक। इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जी 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 तरुण जी, जी हाय, इसको भी सब जानते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और गाइस बाकी लोग बहुत बिजी है, जैसे फ्री हो जाएंगे तो सबसे मिलाते रहूंगी। तो एक बार का केक कटिंग थोड़ी कम है, हाँ मुझे कोई इंटेंशन दे रहा, मेरे बच्चे को दे रहा है, मेरा बच्चा मुझसे प्यार करेगा, कोई बात नहीं, होता होता है सब। बाकी काफी एक्साइटेड है अपने बर्थडे के लिए, खुद ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पहली बार मैंने किसी को इतना एक्साइटेड, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था ऐसा बर्थडे होगा, हम लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत सैड थी, मेरा प्राणनाथ मेरे साथ नहीं था, तो इसलिए बड़ी सैड सैड। तो ये दोनों आए हैं रुद्रपुर से, इन दोनों को तो आप जानते ही हैं, मियां बीवी हो गए। बाकी को बाद में मिलाती हूँ, बिकॉज अभी बहुत बिजी है बच्चे के साथ। हम पहले घर में खाना नहीं जान जाती, और मैं ये नहीं चाहती, चलो फोटो कॉपी राइट आए, चलो वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, आने वाले कॉपी राइट। हाँ, तो ये है काजल, ये है रंजिंदर, ने ये छोटी वाली, ये बीच वाली, भाई चले गए हैं। तो रियली थैंक यू सो मच काजल, तेरा केक भी बहुत अच्छा था और मैं बहुत खुश होगी, क्योंकि अभी तक अच्छा सोच रही थी कि शायद एक टेस्टी खाना बर्थडे मनाऊंगी। मंचूरियन टेस्टी था, इसको बंद कर पहले करने से उसके बाद बच्चों का कुछ स्पेशल चॉइस है तो उनसे पूछ। हाँ तो ये जो हमारा बर्थडे प्लान है ना, ये ऐसे नहीं था रैंडमली, ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी बड़ी बहन मुन्नी दीदी को। ये गाइस इनसे मिलो, ये मुन्नी बेस्ट, वन एंड ओनली। ये हाय गाइस, ये है लवी, लवी हाय बोलो, हाय हाय। और ये है हमारे सबसे छोटू शैतान, हे बोलो, हे डगू, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। इतना क्यूट है, किसने सुना होगा आज तक, ये बहुत क्यूट है। ये इसकी मम्मी, अगेन क्यूटनेस ओवरलोडेड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये फोटो सेशन कराते हुए सुंदर जी, देख लो भाई जगह पे फोटो स्टार्ट। और ये आगे बढ़ते हुए मुन्नी दी की तरफ भैया वादा बनते हुए हाय। और ये छोटू दी, और ये है स्वीटी, और ये है तरुण जी, प्लीज़ इंटरेस्टेड इग्नोर कर। सो एवरीवन, यहाँ पे हमारा चल रहा है खाना, और देखो सारे टूट पड़े हैं खाने पे, और ये दी तो कुछ ज़्यादा ही बिजी लग रही है, मुझे लगता है ज़्यादा ही भूखी हैं दीदी। और रंजीता खैर थी भूखी, आते ही ठूसने लगी थी, ये देखो इसको मोमो के पीछे कैसे पड़ी हुई है। और स्वीटी चल रही है कोल्ड ड्रिंक पे, और मेरे को तो बस दी खिला रही थी, पहले तो मैं बाहर थी और इन लोगों का मेरे आने से पहले ही खाना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरी बेबी को भूख लग गई थी तो मुझे वहाँ से गायब होना पड़ा। बस हमारे साथ मेल जेंट्स में है बस तरुण भैया और छोटे छोटे डिग्गू और लवी, बाकी सब लेडीज़ पार्टी है। ये सारी मेरी मासी की बेटियां और एक मेरी दी की बेटी है, तो हम सारी सिस्टर्स हैं। इनफैक्ट मैं मीन्स सारी मम्मी की फैमिली वाले हैं। तो ये हैं मेरी बहनें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया है मैंने, रियली बताऊँ तो मैंने सोचा नहीं था मेरा इतना अच्छा बर्थडे होगा, क्योंकि बाबू नहीं थे तो मैंने सोचा था इस बार मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उनके बिना कोई मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बर्थडे होगा। तो जब मुझे सब ने विश किया तो फिर दी ने मॉर्निंग में प्लान बनाया कि हम लोग आज मिलते हैं, तो मुझे लगा था जस्ट गेट टुगेदर करेंगे कि, और मुझे नहीं पता था काजल केक भी लेके आई थी, तो काजल सरप्राइजली केक लेके आई थी। और फिर हम लोग मतलब सडनली हमारा प्लान बना और हम सारी बहनें इकट्ठा होगी, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते तो आतंक फैला देते हैं, तो इतनी हैं हम बहनें, अभी तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये सिर्फ हम लोग मम्मी की मतलब मम्मी मासियाँ तीन बहनें हैं, तो इनके ही बच्चे हैं। मैं अपनी सारी सिस्टर्स को और जिन लोगों ने मुझे फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा पे मैं कमेंट मतलब विश किया है, मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच स्पेशली रंजू, तरुण भैया, काजल, पूनम,
मुन्नी दी, अनीता दी, स्वीटी, सबको थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। रियली मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मेरा बर्थडे इतना अच्छा होगा। और दीदों के बच्चे सबको थैंक यू सो मच। हम लोग 13 लोग हुए थे, बहुत मज़ा आया था। मैंने सच बताऊँ तो बहुत टाइम बाद ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट किया। बस हम लोग लास्ट ईयर भी बाबू थे, बहुत मज़ा आया था। बाबू के फ्रेंड्स थे पर कोई गर्ल्स नहीं थी। मीन्स बहुत कम मिलता है ऐसा कि हाँ कभी हम लोग एक साथ में रह जाएं। और अभी मुझे डी एडिटिंग करने में भी परेशान कर रही, यहाँ पे हूँ, हाँ आवाज़ कर रही है, सो प्लीज़ माइंड मत करना। और ये देखो सब टूट पड़े हैं खाने पे, क्योंकि सब लोग ब्रेकफास्ट ही किया था, सब ने लंच नहीं करके आए थे, तो सबको फिर 2-3 बजे तक भूख लग गई थी, क्योंकि दी लोग वैसे भी लेट आए, हम लोग तो पहुँच गए थे 2 बजे। तो हम लोग ने एक टाइम बनाया था कि हम लोग सारे लोग 2 बजे पहुँच जाएंगे, बट दी लोगों को ट्रैफिक फिक्के से लेट हो गया था। और यहाँ पे रंजू को देखो, बस अपने पति को खिलाई जा रही है, तो हमारी तो कोई पूछी नहीं है इसकी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि काजल पूनम रुद्रपुर से आए थे और रंजू भी काफ़ी दूर रहती है, और दी लोग भी, हम सब लोग रहते तो एक जगह हल्द्वानी में हैं बट सब काफ़ी दूर दूर रहते हैं। बट ये था कि बहुत मज़ा आया रियली गाइज। और आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा, थोड़ा अलग से वीडियो है और आज आपको सब लोगों को देखने को मिल गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों ने मुझे विश नहीं किया है तो विश ज़रूर कर देना, क्योंकि बर्थडे था पहले दिन और मैं इसको एडिट कर रही हूँ आज, तो कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे चलेगा। मैं कम्युनिटी बताना भूल गई थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, और यहाँ पे मैं बैठी हूँ साइड से थोड़ा छोटू के और दी के बीच में, मैं दिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैं दी के साइड को बैठी हूँ। गाइस बात सच है, रियली ये दी की वजह से हो पाया, क्योंकि अगर दी प्लान नहीं बनाती तो शायद हम लोग नहीं मिल पाते। तो और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये वो, हम लोग बोलते ना हम वो हैं, और ये आए दी की छोटी बहन है अनीता दी, और ये है इनका बेटा डुगू, हम इसको प्यार से डुगू कहते हैं, बहुत क्यूट है। देखो मेरी बेबी को उसमें से अपने लिए अपना मेरे लिए चॉकलेट और टॉफ़ी चिपका के ला रखा, फिर उसमें से टॉफ़ी निकाल के डी को दे रहे हैं। ये देखो कितना क्यूट, मतलब मुझे हम लोगों को सब इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसको बोल रहा है कि डी को तू खा बोल रहा है, ये देखिए। तो ये तो थी मुन्नी दी और अनीता दी, मेरी सेकंड मौसी की बेटियां दोनों। और ये है हमारी रंजना, ये हमारी पूनम, ये है छोटू, ये है मुन्नी दी और अंजू, हमारी पार्टी की जान, और ये है हमारा डुगू क्यूटी क्यूटी सा। सो गाइज यहाँ पे हमारा आफ्टर पार्टी, मतलब लंच जो भी था सब कुछ होने के बाद हमारा अब घर जाने का टाइम हो गया है। घर जाने का नहीं, मीन्स फोटोशूट करने का, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हम लड़कियाँ कहीं भी जाए बिना फोटोशूट करे आ नहीं सकते। बिना फोटोशूट करने के लिए तो हम जाते हैं आजकल, हम लोग ना किसी चीज़ के लिए थोड़े जाते हैं, ना हमारी गपशप होती ना कुछ। और रियली बताओ तुम, मैंने तो सोचा था हम दोपहर में बहुत सारे गपशप मारेंगे, बट हमारा खाने और ये फ़ोटो खिंचाने में ही टाइम लग गया। और पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है इस टाइम पे, हाँ चाह रंजू की गोद में है, तो वो भी देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रही है। उसको बहुत अच्छा लगता है डी को फ़ोटो खिंचाना, और डुगू बोल रहा है कि मेरे को बैनी के पास ही जाना है, बाबू बाबू। वो देखो आप लोग देख सकते हैं डी की गोद में बिल्कुल भी नहीं टिक रहा है, क्योंकि उसको डी को पकड़ना है, और वो डी को इतनी प्यार से पकड़ रहा था। अभी आगे की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा कि डुगू डी को कितने प्यार से पकड़ रहा था। नॉन वेज वाले भी है, वेज वाले भी है, वेज वाले कितने हैं? ये है डुगू की मम्मा, जिनका चल रहा है स्लो मोशन, और आप लोग देख सकते हैं लोग यहाँ एक बच्चे नहीं संभाल पा रहे, इनको दो दो बच्चों की पड़ी है, और ये दोनों को एक साथ संभाल के ला रही है बॉडी बिल्डर की। और इसकी मेरी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े प्यार हम दोनों की बहुत सारी होती थी। ये देखो दोनों को ले लेके घूम रही है स्लो मोशन में। हाय, आ
आज हम सोनी के बर्थडे में, और ये है इसकी धृति जो कि इसके साथ घूमती रहती है घूमती रहती है, और ये न जाने उसको और कहाँ कहाँ घुमाने वाली है। डुगू को बिल्कुल नहीं घुमाती। और ये है मेरा डुगू, वो देखो बिल्कुल शैतानी नहीं करता है, बहुत प्यार से बैठा रहता है, हिलता नहीं एक जगह से। कौन कर रहा है ये? ऐसे उड़ा दो इसको, ऐसे देखो। यहाँ देखो, ये वाला अनीता जी आप फिर फ्रेम बिगाड़ रहे हो, ये यूट्यूब की वीडियो है। ये देखो दोनों, ये आए हम आज जंगल फिएस्टा सोनी बहन की पार्टी में, आज उसका बर्थडे है, और ये दोनों हमारे शैतान। हेलो हेलो बच्चा बाटी, हेलो चलो एक उसमें बैठो, उसमें बैठो स्लाइड में, स्लाइड में, स्लाइड में। फर्स्ट टाइम में तो नहीं करेगा। हाँ ठीक है ना ना वहाँ पे बैठा दो, लग वहाँ पे बैठा, आजकल थोड़ा थोड़ा इसको अच्छे से ऊपर बैठा दो, फिर एक हाथ पकड़ के नीचे को लाना। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो बोले तो घर की पार्टी में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू।